टेम्पल के बाहर एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा सर कैन आई हैव अ फोटो विद यू, गॉगल्स पहन के बाइक राइड करना, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। ये थी अब तक की सबसे हाईएस्ट स्पीड। दिनेश भाई ताला मार रहे हैं, करोड़ों का सामान पड़ा हुआ हमारा अंदर। ओनर्स को ज्यादा एंडिंग के साथ रहना ज्यादा पसंद नहीं रहता है। जो जो लोकेशन दिखाई है ये सबसे बेस्ट फिल्टर प्लेस है आपके लिए। गोवा हैज बिकम नाउ जू चौपाटी। गोवा के बीच को हो सके उतना क्लीन रखने की कोशिश करो। 100 लोग 150 लोग खाली हेडफोन सुन के यहाँ पे पार्टी करते थे, आज भी मुंबई महाराष्ट्र के लोग नॉइस पोल्यूशन को समझते ही नहीं है, समझिए प्लीज। तो टेम्पल से निकलने का वक्त आ गया है और यहाँ से हम सीधे जाएंगे पालोलेम बीच, और पालोलेम बीच का जो रास्ता है 2 घंटे और 45 मिनट का रास्ता, आप देख सकते हो स्क्रीन पे 145 किलोमीटर, और इस वक्त बजे है दोपहर के 1:49, यानी कि समझो ना ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। तो पहुँचते पहुँचते बज जाएंगे शाम के करीब करीब 4:30। तो अच्छी बात यह है कि 4:30 बजे पहुँच जाएंगे तो 1 घंटा हमें वहाँ पे फिर रूम ढूंढने में या हट ढूंढने में, और उसके बाद जो होगा सनसेट, और सनसेट में गोवा में एक भी दिन मिस करना पसंद नहीं करता हूँ। और पालोलेम बीच जो है बहुत ही खूबसूरत और क्लीन बीच, और वहाँ से बैठ के सनसेट को देखना अपने आप में एक बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव होगा आज मेरे लिए और दिनेश भाई के लिए भी। ले लो नारियल पानी, ले लो अभी एक, मैं उधर ले रहा हूँ, आपको आवाज दे रहा हूँ, आप चले गए मस्ती में एकदम। नहीं मैंने कनेक्ट किया था, इससे कनेक्ट हो नहीं पाया, प्रॉब्लम कर रहा है। ओके ठीक है, पी लेते दोबारा। नहीं एक किया बस मैंने, एक और पी लेते हैं। नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप रूट मारने वाले आ जाओ। ठीक चल, तो एक अभी नारियल पानी ब्रेक, एक और एक पी चुका हूँ, एक अभी दिनेश भाई के साथ में एक और नारियल पानी पीएंगे यहाँ पे। आज मुरुडेश्वर टेम्पल के बाहर एक बहुत मस्त घटना घटी, बहुत अच्छा लगा जब ऐसा कभी होता है। तो अक्सर कई बार होता है जब मैं बाइक राइड पे होता हूँ तो काफ़ी सारे लोग मुझे दूर से बुलाते हैं, हाय करते हैं, गुड लक कहते हैं, ऑल द बेस्ट कहते हैं, चैनल का नाम पूछते हैं, इंस्टाग्राम पेज का आईडी पूछते हैं। आज ऐसे ही कुछ घटना घटी मुरुडेश्वर टेम्पल के बाहर जब मैं दिनेश भाई फुल इंजॉय कर रहे हैं राइड को, तो मुरुडेश्वर टेम्पल के बाहर एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा सर कैन आई हैव अ फोटो विद यू, मैंने कहा व्हाई नॉट, तो उन्होंने कहा यू नो आई वांटेड टू क्लिक अ पिक्चर विद यू, मैंने बोला बोलिए व्हाई, वी हैव अ सिमिलर बियर्ड, मैंने कहा हाँ यार दैट्स सो नाइस। उनका जो बियर्ड का स्टाइल था और सॉल्ट एंड पेपर जिसे कहते हैं ब्लैक एंड वाइट शेड, वो काफ़ी सिमिलर था मेरा उनका, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे देखा, और उन्हें बहुत सिमिलरिटी लगी अपने चेहरे में मेरे साथ में उस बियर्ड को लेके, तो उन्होंने अपने साथ मेरे साथ एक पिक्चर क्लिक किया, फिर मैंने उनके साथ पिक्चर क्लिक किया। और वो जो थे वो केरला से थे, ही इज़ अ टीचर इन केरला, एंड वो अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ में लेके मुरुडेश्वर टेम्पल के दर्शन के लिए आए थे। बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत ही वाकई में एक ऐसा मोमेंट होता है एक बाइक राइडर के लिए जब उसको लगता है कि वाकई में एक बाइक राइड करके इतने घर से इतनी दूर तक मैं बाइक राइड करके आया हूँ, और जब लोगों का ऐसा प्यार मिलता है ना तो आप बाइक राइड के लिए और आप इंस्पायर हो जाते हो, आपको और ऐसा अच्छा लगता है कि नहीं मैं इससे भी ज़्यादा और अच्छी और बेहतरीन राइड करूँ, और लोगों का प्यार जो है ऐसे ही बस मुझे मिलता रहे। दिनेश भाई के पैर जो इस वक्त जाम हो चुके हैं, यू कंटिन्यूस बैठ के वो राइड कर रहे हैं। कल ही मैंने उनसे कहा था कि आप जब राइड करते हो तो बाइक पे खड़े होकर सेटलिंग भी किया करो, हालांकि एक दो बार उन्होंने कोशिश की, वो नए हैं अभी, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए सेटलिंग करने के लिए, क्योंकि सेटलिंग करते हैं बाइक का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर पिछले काफ़ी देर से मैं राइड कर रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत खूबसूरत हाईवे, बहुत खूबसूरत हाईवे। आप इस हाईवे के ऊपर 120 150 तक बाइक भगा सकते हो बिना किसी हिचक के। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दृश्य, ब्यूटीफुल बैक वाटर कह सकते हैं आप इसे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं सीधा पालोलेम के लिए, करीब करीब 1 घंटे और 50 मिनट का रास्ता अभी भी और बाकी है, और उस 95 किलोमीटर्स अभी हमें और तय करने बाकी है। 150 में से हमें करीब करीब 50 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए है। दोस्तों एक और बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ बाइक राइडिंग के बारे में। काफ़ी सारे लोग जो बाइक राइड करते हैं तो जो वाइजर होता है हेलमेट का वो ओपन रखते हैं और बाइक चलाते हैं और अंदर एक गॉगल्स पहन लेते हैं, बट ये करने के बहुत सारे नुकसान हैं, और जो नुकसान है वो मैं आपको इस वक्त बताना चाहता हूँ और एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जब आप गॉगल्स पहन के बाइक राइड करते हो और आगे का वाइजर ऊपर रखते हो तो सामने से धूल मिट्टी के कंकर जो है कई बार
बहुत स्पीड में आके आपके चेहरे से टकरा जाते हैं और आपको घाव लग सकता है, मेरे साथ ये हुआ है। और दूसरी सबसे ख़राब बात, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है वो आपके चेहरे से टकरा जाते हैं और हेलमेट के साइड में जो गैप होती है वहाँ से आपके कान की तरफ वो इंसेक्ट्स अंदर घुस जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो कान के अंदर घुसने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर आप अपना संतुलन खो बैठे, अपना बाइक का संतुलन खो बैठे, क्योंकि जैसे ही वो इंसेक्ट्स अंदर घुसते हैं आपको एक अजीब सी झनझनाहट सी होती है और आपका बैलेंस जो है बाइक का सरक जाता है और आपको ऐसा लगता है कि तुरंत मैं अपना हेलमेट खोलूं, लेकिन हेलमेट आप तुरंत खोल नहीं सकते हो क्योंकि आपके हाथों में ये ग्लव्स पहने हुए होते हैं, गॉगल्स पहने हुए होते हैं। तो पहले ग्लव्स को, बाइक को रोको, ग्लव्स खोलो, फिर नीचे की वो रस्सी खोलो हेलमेट की, फिर उसको, मतलब ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और इतने में कोई बड़ी घटना घट सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप बाइक राइड करो दोस्तों, तो हेलमेट का वाइजर जो है उसे पूरी तरह बंद करो और आप बाइक राइड करो। गॉगल्स पहन के बाइक राइड करना मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। हम इस वक्त कारवार सिटी में फिर से एक बार एंटर कर चुके हैं, कारवार यानी कि देवेन का घर। जब भी आता हूँ यहाँ पे तो देवेन की यहाँ जरूर आ जाती है। तो अब जो है यहाँ से 37 मिनट्स का रास्ता है और करीब करीब 29 किलोमीटर पालोलेम बीच, और क्लाइमेट जो है इस वक्त धीमे धीमे फिर से सुहावना होता जा रहा है। जब वहाँ से निकले थे मुरुडेश्वर टेम्पल से, बहुत ही गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, पर अब जो है ये वाली जो धूप है ये सुहावनी लग रही है, ख़राब नहीं लग रही है। और पालोलेम पहुँचते पहुँचते बन जाएंगे 4:30, तो तब तक तो क्लाइमेट और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत ही एक्साइटेड हुआ आज के सनसेट को लेके। बाइक की स्पीड इस वक्त 101, 120, 121, 122, 123, 124, 125 को मैंने क्रॉस कर दिया, 127, 128 और 128 के बाद फिर से बस 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 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो ये थी अब तक की सबसे हाईएस्ट स्पीड, 128 तक मैंने बाइक की स्पीड जो है आज खींची है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे स्क्रीन पे, मजा आ गया। पालोलेम में पहुंच चुके और सच कहूँ वाइब बहुत अच्छी लग रही है यार, बहुत ही मस्त लग रहा है। मैं बहुत सालों पहले यहाँ पे आया था तो उस वक्त ये ज़रा भी डेवलप नहीं था, पर आज यहाँ की जो वाइब है, छोटे छोटे कैफेज, छोटे छोटे बार जैसे कि आप देख सकते हो, और शॉपिंग्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस बढ़ चुके हैं यहाँ पे, वाइन शॉप सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। और ये जो एरिया पर्टिकुलरली है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, दिनेश भाई ने कहा है ये थोड़ा हैपनिंग एरिया है और सी फेसिंग हट्स, रूम्स वगैरह सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि कहाँ उतरेंगे। दिनेश भाई ने एक बार यहाँ पे बाइक लगा दिया है तो आई थिंक यहीं आसपास कोई ने ऑप्शन पता है, लेट्स फाइंड आउट। जो है बजे है शाम के 5:58 और हम पहुँच चुके हैं पालोलेम बीच पे, और ये रहा आज का हमारा घर जो कि दिनेश भाई ताला मार रहे हैं, करोड़ों का सामान पड़ा हुआ हमारा अंदर, तो उसे लॉक करके जो है हम सीधे इस वक्त ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जाएंगे सीधे बीच पे। और दिनेश भाई की तहे दिली इच्छा है कि आज हम यहाँ पे फूट मसाज ले लें और बहुत ही ब्यूटीफुल सी इस सनसेट में बैठ के थोड़ी सी गपशप, थोड़ी सी चर्चा और इन्जॉय करेंगे काफ़ी कुछ म्यूज़िक को भी। पहुँच चुके हैं पालोलेम बीच पे, आज हम स्टे कर रहे हैं, वो जगह का नाम है मैजिक वर्ल्ड, मैजिक वर्ल्ड। सामने का नज़ारा एक बार देख लो, और होटल को यहीं से एक बार कैमरा घुमा के आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त हम कहाँ पे हैं और कौन सी जगह पे आज के शाम को हम एक खूबसूरत सा अंजाम देने वाले हैं। तो इस वक्त शेख से बाहर निकलते हुए सीधे जा रहे हैं बीच पे, और बीच वाकई में कहूँ 10 साल बाद में मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और 10 साल पहले की हालत जरा दिनेश भाई बताइए, इस बीच की क्या हालत थी 10 साल पहले? बीच की हालत तो बीच की हालत ही थी, अच्छी थी, जैसा बीच आज दिख रहा है वैसा ही था, पर यहाँ लोगों की तादाद अब ज़्यादा बढ़ गई है। पहले उस टाइम में ज़्यादातर फॉरनर्स लोग आते थे और इंडियन कम आते थे, अब समय चेंज हो गया है, अब इंडियन भी ज़्यादा हैं और फॉरनर थोड़े कम हो गए हैं, क्योंकि फॉरनर्स को ज़्यादा इंडियन के साथ रहना ज़्यादा पसंद नहीं रहता है। ये एक मुद्दे की बात कही है, एक मुद्दे की बात है, और काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे समय चेंज होता है तो हिसाब से लोग बढ़ जाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जाती हैं और नेचुरलिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो सब चीज़ें
ख़त्म हो चुकी हैं, चेंज हो चुके हैं, सारा कमर्शियल हो चुका है, तो अब कमर्शियल का मज़ा भी लेना ज़रूरी है। तो कमर्शियल का मज़ा ले रहे हैं हम लोग और आप भी इसका मज़ा लीजिए। चलिए बढ़िया है, गुड लक फॉर यू। और सब लोग प्लीज़ ज़रूर आइए, जहाँ जहाँ परेश जी ने दिखाए ना, जो जो लोकेशन दिखाई है, ये सबसे बेस्ट फिल्टर प्लेस हैं आपके लिए, क्योंकि इतनी मेहनत से इन्होंने ये वीडियो बनाते हैं और हर चीज़ को इतना प्यार से दिखाते हैं ना, तो कोई भी ब्लॉगर ऐसा नहीं दिखा सकता, यह ध्यान रखना। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए और इनकी हर वीडियो को क्लिक कीजिए, यही आपका सहयोग चाहिए। थैंक यू सो मच। तो अब दोस्तों आ चुका हूँ पालोलिन बीच पे। आज से जब मैं 10-12 साल पहले यहाँ पे आया था तो ये बीच पूरा सुनसान था, कुछ भी नहीं था, इतने सारे शैक्स और होटल्स और ये सब कुछ यहाँ पे नहीं था, पर आज बिल्कुल बदल चुका है। हम जिस होटल में रह रहे हैं वहाँ पर डे का हमने 1800 रुपया नॉन एसी रूम का दिया है, और एसी रूम चाहिए आपको, सी फेसिंग रूम चाहिए तो उसका 3000 रुपया उन्होंने हमसे कहा है। और ठीक है, छोटा कैमरा घुमाता हूँ और आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ कि ये देखिए पीछे के हाल इस वक्त कैसे हैं, और ये मेरे ठीक पीछे सनसेट। तो अब कहीं चल के बैठा जाएगा और चिल आउट किया जाएगा, तो लेट्स मूव गाइस। अब यहाँ पे कयाकिंग सिखाई जाती है, देखिए किस तरीके से ये एक दूसरे को समझा रहे कि कयाकिंग कैसे करनी चाहिए। तो काफ़ी सारे चीज़ें जो है वाटर स्पोर्ट्स यहाँ बच इम्प्रूव होते जा रही है, एड ऑन होती जा रही है। कयाकिंग प्लस सर्फर बोर्ड है यहाँ पे, आप चाहो तो सर्फिंग भी सीख सकते हो, कर सकते हो। कहीं कहीं पे आपको अंडर वाटर स्विमिंग भी सिखाई जाती है, स्कूबा डाइविंग भी कहीं कहीं पर है। तो वक्त के साथ गोवा भी बहुत इम्प्रूव होते जा रहा है, लोगों की आकांक्षाएँ गोवा से बढ़ती जा रही है और गोवा के लोग जो है उसे पूरी तरह से पूरी करने में समक्ष हैं। तो बदलाव संसार का नियम है, तो गोवा भी आज के दिन में बहुत ही बदलता जा रहा है। बीच में अनन्या पांडे का एक स्टेटमेंट आया था जो कि मुझे जब उसने कहा तब मुझे थोड़ी सी आपत्ति थी। एक ही लाइन लिखी थी उसने कि गोवा हैज़ बिकम नाउ जू चौपाटी। बात इससे पहले तो मुझे भी कभी ऐसा लगा नहीं कि गोवा अब जूहू चौपाटी जैसा हो गया है, नॉट ऑल द बीचेस, पर हाँ कुछ बीचेस वाकई में जूहू चौपाटी जैसे है। बहुत वहाँ पे गर्दी, बहुत रश, पब्लिक की आवाजाही बहुत बढ़ चुकी है, पर आरंबोल बीच, अश्वेम बीच ऐसे नहीं थे। अश्वेम बीच आज भी ऐसा नहीं है, बट आरंबोल बीच पर पब्लिक कभी इतनी नहीं आती थी जितनी कि जूहू चौपाटी में होती है। कि मैं यहाँ पर अक्सर प्राइवेसी के लिए आता हूँ, शांति के लिए आता हूँ, शोर शराबे के लिए नहीं आता हूँ, बट ठीक है, किसी को आने से रोका तो नहीं जा सकता। बट इतना ही कहूँगा, आप आओ यहाँ पे, इन्जॉय करो, लेकिन थोड़ा शोर शराबा कम करो, कचरा मत करो, फेंको मत इधर उधर। गोवा के बीच को हो सके उतना क्लीन रखने की कोशिश करो, काफ़ी सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो उनसे मेरा इस वीडियो के माध्यम से विनती है कि बीच इसको बहुत क्लीन रखो यार, बस दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड आई कैन रिक्वेस्ट टू ऑल माई फॉलोवर्स, माई फ्रेंड्स, माई फैंस, इतना एक काम कर लो यार। ये बीच बहुत छोटा है, लेकिन सच कहूँ दोस्तों, मुझे ये बीच अभी तक गोवा में जितने बीचेस पे मैं घूमा हूँ उनमें सबसे ब्यूटीफुल बीच अगर मुझे आज कोई लगा है तो दैट इज़ पालोलेम बीच, ऑनेस्टली पालोलेम बीच। और इस बीच के बारे में आपको और थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूँ कि यहाँ पर बोटिंग करनी हो अगर आपको, तो बोटिंग के लगते हैं 700 रुपये पर पर्सन, जिसमें आपको सामने मंकी आइलैंड है और आसपास में टर्टल बीच और 4-5 जगह वो घुमा के लाते हैं एक घंटे के लिए। और आपको प्राइवेट अगर बोट करनी है, इस टाइप की ही बोट्स होती है, देख लीजिए इस टाइप की बोट्स होती है, तो इस टाइप की बोट्स अगर आपको करनी है तो उस बोट्स के चार्जेस इन्होंने मुझे 1.5 घंटे के लिए बताया है 5000 रुपीज़, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इस बीच की दूसरी बेस्ट खासियत, एक तो छोटा है और ऐसा इस तरीके से हाफ सर्कल शेप में है ये, दूसरी अच्छी खासियत इसकी ये है कि वाटर आगे तक, बहुत आगे तक देखिए वहाँ तक वो खड़ा, लेकिन पानी कमर तक भी नहीं है उसके, तो बहुत शैलो वाटर है यहाँ पे, काफ़ी दूरी तक करीब 1.5 किलोमीटर तक शैलो वाटर है। और तीसरी खासियत है कि यहाँ पे जब सनसेट होता है तो डिफरेंट टाइप का सनसेट है, और डिफरेंट क्या है मैं बताऊँ आपको, अक्सर जब सनसेट होता है तो सनसेट जो होता है समुंदर के बीच में कहीं जाके सनसेट हो जाता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। सामने एक मंकी आइलैंड है, देखिए मैं आपको दिखाऊँ, वो जो है सामने वहाँ पे वो मंकी आइलैंड है, उस मंकी आइलैंड के वो पहाड़ के एग्जैक्ट पीछे सनसेट के होने की जगह है। तो ये भी एक पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत सा लगा, शाम का सनसेट मैंने देखा है। शूट मैं एक छोटा सा शॉट लिया था मैंने, पर सनसेट होते हुए शॉट मैं नहीं ले पाया,
पर कोई बात नहीं, अगली बार ले लूँगा, अगले 7-8 दिन तक और मैं यहीं पर हूँ। और ये जो जगह है इस वक्त यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टेयर केस जो है वहाँ पे, स्टेयर केस जो वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ से क्रॉस होके 10-12 साल पहले जब मैं आया था तो पिछली तरफ गए थे, वहाँ पे बैक साइड पे, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे शैक्स है। और वहाँ पे उस वक्त 10-12 साल पहले वॉकमैन पार्टी हुआ करती थी, ताकि लोगों को यहाँ पे किसी को म्यूज़िक से प्रॉब्लम ना हो, नॉइस पॉल्यूशन ना हो। मैं बात कर रहा हूँ 12 साल पहले, तब भी इस बीच पे नॉइस पॉल्यूशन ना हो उसका ध्यान रखा जाता था। मुंबई में, महाराष्ट्र में या किसी भी स्टेट में आज भी इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। 10 बजे तक की परमिशन दी जाती है गवर्नमेंट से ऑफिशियली, 10:30, 11:30, 12:00, 1:00, 2:00, 3:00 तक लोग बजाते हैं, डिपेंड ऑन द रिलीजन, डिपेंड ऑन द कम्युनिटी। कोई छोटा कम्युनिटी वाला है तो उसको 10 बजे तक, 10:15 तक पुलिस आके बंद करा देगी। तो दूसरी कौन सी कम्युनिटी आप भी जानते हो, तो किन्हें 12-1 बजे तक परमिशन मिलती है, किन्हें रात को 3 बजे तक भी परमिशन मिलती है। आप बहुत समझदार हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गोवा के लोग देखिए आप, टाइम के पहले, टाइम तो छोड़िए, टाइम के पहले छोड़िए, जिस टाइम तक यहाँ परमिशन है उस टाइम तक भी यहाँ पे पालोलियन बीच में म्यूज़िक नहीं बजते थे। अगर आपको यहाँ पार्टी करनी है तो आप अपने कान में वॉकमैन का जो हेडफोन होता है डालिए और वहाँ म्यूज़िक बजाएगा डीजे, 100 लोग 150 लोग खाली हेडफोन सुन के यहाँ पे पार्टी करते थे। और ये कल्चर मुंबई में कभी कभी शादियों में भी ये कल्चर शुरू हुआ था कॉपी करके, पर मुंबई का कल्चर डिफरेंट है, कुछ अलग करना होता है इसके लिए करते हैं, उनको नॉइस पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ के लोग उस वक्त इतने समझदार है, और हम आज भी, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ, आज भी मुंबई महाराष्ट्र के लोग नॉइस पॉल्यूशन को समझते ही नहीं हैं, समझिए प्लीज़। चलिए इस वक्त आपको मैं लेकर चलता हूँ सारे जो शैक्स इस वक्त मेरे पीछे है या सी फेसिंग होटल्स है उस तरफ, ताकि मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दिखा सकूँ कि कितने खूबसूरत यहाँ पे रूम्स है। अब सबके बारे में डिटेल्स तो नहीं बताऊँगा, लेकिन आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको लेके आया हूँ पालोलियम बीच के मेन एंट्रेंस पे। वैसे तो पालोलियम बीच पे आने के कई तरीके हैं, आप किसी भी होटल से बैक गेट से जाके आप फ्रंट गेट से वापस बीच की तरफ आ सकते हो, लेकिन ये जो है इसका मेन एंट्रेंस है जहाँ पे इस बीच पे आया जा सकता है। तो एक बार कैमरा रोटेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये इसका एंट्रेंस कैसा है। ये है इसका एंट्रेंस जो आप वाइट कलर का ये पोल देख रहे हो, और बीच के साइड पे जो है इतनी सारी ये जो है ग्रॉसरी शॉप्स है, जहाँ पे आपको ए से लेके जेड तक सारी खाने पीने की चीज़ें बड़ी ही आसानी से आपको मिल सकती है। तो ये भी एक बीच की खासियत है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, आप जो चाहे यहाँ से ख़रीद सकते हो और अपने घर पे रख सकते हो। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे भी होटल्स हैं, रूम है, जहाँ पे आपको किचन के साथ में वहाँ पे स्टे मिलता है, तो अपना खाना खुद बनाइए और ख़ुद उसका लुफ्त लीजिए। तो ये देखिए क्या लिखा है वहाँ पे, ये है इसका मेन एंट्रेंस जिस पर लिखा हुआ है कैनाकोना म्यूनसिपल काउंसिल 1995 वेलकम्स यू। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस फ्रॉम वेयर यू कैन एंटर इनटू द पालोलियम बीच। ये इसका जो है मेन स्ट्रीट है जहाँ से इस बीच पे जो है आया जा सकता है। तो जब पहली बार मैं आया था कल यहाँ पे, तो बाइक लेके मैं इसी स्ट्रीट पे आ गया था, पर इस तरफ जो है रहने की इतनी अच्छी स्ट्रीट पे इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी है बट जिसको सी फेसिंग व्यू का शौक हो उसके लिए इस स्ट्रीट पे रहने का कोई मतलब नहीं है। दिस स्ट्रीट इज़ गुड फॉर द ईटिंग, फॉर शॉपिंग, फॉर टैटू मेकिंग, फॉर एनीथिंग। तो स्ट्रीट का नज़ारा एक साथ कैमरा रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। सारी होटल्स, शॉपिंग के लिए छोटी छोटी दुकानें, वाइन शॉप्स, टैटू की दुकानें, स्टे के लिए, फूड के लिए रेस्टोरेंट्स, काफ़ी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये नज़र पड़ी यहाँ पे सी गुल गेस्ट हाउस करके, जहाँ पे वड़ा पाव, मसाला पाव, पाव भाजी, समोसा सब कुछ बहुत ही टेस्टी है। तो मैंने यहाँ पे एक समोसा खाया है, देखिए आपको दिखा देता हूँ ये। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरा रिव्यू जो है वो बहुत ही सुपर्ब है। गोवा में आना, पालोलियम पे आना और ऐसी जगह पे आना और वहाँ पे स्ट्रीट फूड, मुंबई का जो स्ट्रीट फूड है, समोसा, वड़ा पाव और कचौरी मिलना, ये बहुत ही इत्तेफाक की बात है। तो आप जब भी कभी यहाँ पे आओ तो इस रेस्टोरेंट में आके इसे खा सकते हो, इसे एंजॉय कर सकते हो। आई लव्ड इट। तो
सब कुछ मैंने आपको आज यहाँ पे पालोलेम बीच के बारे में बहुत ज़बरदस्त जानकारियाँ दे दी हैं। अब बहुत कोशिश की है कि छोटी से छोटी जानकारी मैं यहाँ पे इकट्ठी करूँ, और मेरे वीडियो की यही खासियत होती है कि मैं बारीक से बारीक जानकारियाँ जो होती है वो मैं वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पालोलेम बीच से जुड़ा हुआ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, और आपकी सारी जानकारियाँ जो है, आपकी जो एक्साइटमेंट थी इस बीच को लेके, वो मैं पूरी कर सका। और बस यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, परेश जैन चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज सुबह उठा सूरज पे आशा, किंचिरिया मेरी दरवाजे पर नीचे जानेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पीपल ऑफ गॉड रिसोर्ट, I'm gonna leave you on this beautiful thing. I don't feel filmed at all. Thank you for these ladies to dance with the last 16 bars of a 3-hour show. I really appreciate that.